महंगाई बेकाबू होती जा रही है। महंगाई के चलते सब्जियां अब थाली से बाहर होती जा रही। नींबू के बाद अब हरे धनिया के रेट भी आसमान छूने लगे। मांस से लेकर सब्जियों तक के हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई पे लगाम रोकने के लिए इस बार राज्य प्रवर्तन शाखा यानी ईबी मैदान में उतर चुकी है। ईबी की टीम बोलपुर शहर के कई बाजारों का दौरा कर रही है। ईबी अधिकारियों ने बोलपुर के हटाला, श्रीनिकेतन और श्याम बाती बाजारों में छापेमारी की। वे ये भी जांच कर रहे हैं कि उचित कीमतों के साथ स्टॉक है भी या नहीं। मांस, आलू, प्याज, सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों से बढ़ने लगे हैं और इसमें आम लोगों का आरोप यह था कि कई बाजारों में स्टॉक रखकर दुकानदार महंगी सब्जी बेच रहे हैं, नतीजतन कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए आज राज्य प्रवर्तन शाखा यानी ईबी ने बोलपुर के हटला, श्रीनिकेतन बाजार, शांति निकेतन के श्यामबती बाजार में अचानक छापेमारी करने पहुंचे। ईबी के अधिकारियों ने बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत के बारे में भी पूछा। इसके अलावा जांच की जा रही है कि यह गोदाम में कितना सामान जमा है या नहीं। ईबी के अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित में करने के लिए उठाया गया है। आलू 16 से 18 रुपए किलो, नींबू 100 रुपए किलो, प्याज 12 से 13 रुपए प्रति किलो, लौकी 10 से 14 रुपए प्रति किलो, तोरई 10 से 12 रुपए प्रति किलो, हरी मिर्च 40 रुपए प्रति किलो, खीरा 40 से 14 रुपए प्रति किलो, टमाटर 24 रुपए प्रति किलो, गोभी 45 रुपए प्रति किलो, पालक 10 से 12 रुपए प्रति किलो, बैंगन 20 रुपए प्रति किलो के रेट में बिक रहा है। भारत में खुदरा महंगाई दर 7.79 पर पहुंच गई है, जो इसका 8 साल में सबसे ऊंचा स्तर है। यह लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर 6% से ऊपर रही है। जानकार इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। RBI की निरंतर कोशिश रहती है कि देश में खुदरा महंगाई दर 6% के ऊपर न जाए, लेकिन यह लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर इस स्तर से ऊपर रही है। मार्च में महंगाई दर 6.95% रही। बोलछिल आलू दाम सुना छिलो की दाम? आलू आलू 1080 पे किलो लो, ज्योति आलू आ पर 950, अगुन दाम बढ़े ना आलू बेसी। আলু দাম তো খুব তো বেশি নাই, আলু যারা রেখেছে লাভ নাই, মানে অসল হচ্ছে এখন যারা আলু রেখেছে। আলু তো বেশি দামে লোড হয়ে গেছে, আর তো 26টা তো 24টা বীজ বেঁচাবে, আর বাজার মার্কেট আর কমবে, লোডিং এর সময় দাম বেশি হয়েছে আলু, ব্যাপার তো হবে না এই ব্যাপারে। Thank you.